हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं, एक न्यू वीडियो आया है, आज हम करने वाले हैं मेकअप चैलेंज, वो भी सिर्फ 5 मिनट में करने वाले हैं। तो देखते हैं कि 5 मिनट में हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे मेकअप के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। मेकअप आज तक हम किए नहीं हैं, बस जो हम रेगुलर क्रीम पाउडर जो भी नॉर्मली यूज़ करते हैं बस उसी से करेंगे। बस 4 से 5 चीज़ से आज मेकअप करेंगे, जो कि आप कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं भी आप जॉब करते हो तो आप उसे करके ड्यूटी भी जा सकते हो। तो कुछ हैवी मेकअप नहीं है, एकदम लाइट सा मेकअप रहेगा, आप कहीं भी उसको लगा के जा सकते हो। तो आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट में हम कर पाते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है 2 से 3 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, जो कि मेरे पास स्किन फ्रूट का मॉइस्चराइज़र था। आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हो, मुझे यही जॉय का जो स्किन फ्रूट का रहता है मुझे अच्छा सूट होता है, तो इसलिए हम ये मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। और आपको जो भी चाहिए आप लगा सकते हो। तो मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाते हैं ना कि जैसे कि हम लोग का कभी फेस है ना ड्राई हो जाता है, तो ड्राई फेस पे ना डायरेक्ट क्रीम नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, ताकि आपका फेस भी, स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगा और क्रीम भी अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। तो इसको हम हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लगाएंगे क्रीम, जो कि इसको पहले अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे पॉन्स का बीबी क्रीम। तो वो बीबी क्रीम है ना, हम हाथ से ब्लेंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर है, फिर भी 5 मिनट में करना है मेकअप, तो 5 मिनट में शायद ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ब्लेंडर से, तो इसलिए हम हाथ से ही ब्लेंड कर लेते हैं। तो पहले इसको निकाल के हम फेस पे लगा लेते हैं। उसको पहले हम लगा करके टैप टैप कर लेंगे फेस पे, पूरा फेस पे टैप टैप करने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ब्लेंडर से भी कर सकते हो, मैं हाथ से ही की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो उसको अच्छे से हम टैप टैप करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम उसको अच्छे से पाउडर से सेट कर लेंगे। तो हम पहले ब्लेंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। पहले अच्छे से जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप टैप टैप कर लो, ताकि आपका पूरा चेहरा पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और फिर नेक्स्ट इसको ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट हम पाउडर का यूज़ करेंगे, पाउडर लगा के सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन का पाउडर। तो मैं डेली बेसिस पे पॉन्स या वाइट टोन कोई भी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं हेवी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर ज़्यादा कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करने से मुझे पिम्पल्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए पाउडर को थोड़ा हम पाउडर से थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो पाउडर लेकर के हम ठीक से लगा लेते हैं, लगा के उसके बाद पूरा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही हूँ। तो पाउडर लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल मैं कभी आईब्रो नहीं की हूँ, तो इसलिए मेरा आईब्रो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, मुझे पसंद नहीं है करना, पर आगे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, पर अभी तक नहीं किए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा, पर हम आईब्रो पेंसिल से उसको फिल कर लेंगे तो ठीक लगेगा। उसके बाद आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे काजल, जो कि मेरे पास है शुगर आइकॉनिक काजल। तो काजल का यूज़ करेंगे, वो काजल बहुत ही अच्छा है, पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 24 आवर्स है और वाटर प्रूफ है। तो हम लाइट सा काजल लगाएंगे, क्योंकि लाइट सा मेकअप है तो लाइट सा काजल ही अच्छा लगेगा। और फिर नेक्स्ट इसके आप कितना भी हेवी मेकअप कर लो, पर जब तक आप काजल और लिपस्टिक नहीं लगाओगे ना, आपका मेकअप ही अधूरा रहता है। काजल और लिपस्टिक इसलिए हम कुछ लगाते ही नहीं है, काजल और लिपस्टिक ही सिर्फ लगाते हैं, ताकि सारा मेकअप कुछ करो या ना करो पर ये दोनों लगाने से ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फिर, मेरा मेकअप ख़त्म हो गया है, करेक्ट 4 मिनट 44 सेकेंड लगा है मुझे करने में। फिर चलिए हम लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक मेरे पास लैक्मे 925 का था, तो मैरून कलर का है, तो वो मैरून और रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हम यही ज़्यादा यूज करते हैं। और मैं अपना टॉप भी मैरून कलर का पहने थे, इसलिए वो कलर भी यूज की थी। तो बस मेकअप मेरा डन हो गया है। तो मेकअप होके रेडी है, बस 5 मिनट में 5 सामान से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।